पंजाबी गायक मास्टर सलीम ते कन्हैया मित्तल इन्हीं दिनी लगातार सुर्खियां दे विच बने हुए ने। दरअसल भजन गायक कन्हैया मित्तल ने जगरातियां ते बयान दिंदिया कहा कि जगरातियां ते जिहड़े गायक आउंदे ने उह सारे खान ने, जिवें उसने कहा कि पहला कलाकार ला लो मास्टर सलीम, फिर जी खान, खान साहब अते होर भी कई खान दे नाम ले। इस तों बाद हुण पंजाबी कलाकार मास्टर सलीम ने कन्हैया मित्तल दे बयान ते करारा जवाब दिता है। पहला दस दिए कि दोवें विचाले हुई इस जुबानी जंग बारे। दरअसल हाल ही भजन गायक मित्तल ने एक बयान दौरान कहा कि पंजाब विच सारे खान ने वो की करनगे माता का जागरण, इस जुबान तो राम राम बोलते हैं पर अंदरों नहीं। मित्तल दे इस विवादित बयान ते पंजाबी गायक मास्टर सलीम ने मूंह तोड़ जवाब दिता है। पंजाबी गायक मास्टर सलीम ने बिना किसी का नाम लेंदे हुए अपने तिखे बोलों नाल जवाब दिता है। मास्टर सलीम कहते हैं कि तुसी माता राणी नू खरीद रखे, पोले शंकर जिन्ने तुहाडे ने उन्ने साडे ने। बिना नाम ले उन्हें कहा कि जब वह बंदा कहता है कि मुसलमान जिथे गाउणगे उत्थे वह जाएगा भी नहीं, ना अगे जाएगा ना पिछे जाएगा। फिर इसे मास्टर सलीम कहते हैं कि तेरे नाल दो चार मुसलमान काम करते हैं, पहला उन्होंने हटा। मास्टर सलीम का कहना है कि धर्म का प्रचार करो, नफरत ना पैदा करो। उन्हों का कहना है कि यह बयान वक् वक् धर्मां नाल जुड़े लोगों विचाले नफरत पैदा करने का तरीका है। हालांकि कन्हैया मित्तल ते मास्टर सलीम की यह जुबानी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। कन्हैया मित्तल का यह भी कहना सी कि पुजारी भी ध्यान देन, जिथे मुसलमान भजन गाउणगे उत्थे पूजा ना करवाई जाए। मास्टर सलीम ने इसते भी तिखी प्रतिक्रिया दिंदिया कहा कि असी सब धर्मां की इज्जत करते हैं। इस मंच पे जो गाता है पहले देखा करो, सिर्फ उसकी जबान पे शान है या उसके दिल में भी शान है। पंजाब में भी एक जागरण था, पहला कलाकार मास्टर सलीम, दूसरा कलाकार जी खान, तीसरा कलाकार खान साहब, चौथा कलाकार कमल खान। कराओ जागरण, होगा जागरण। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ जबान पर जा रहे हैं या जो आगे आने वाला भविष्य है उस पर भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कहता, बहुत अच्छा गाते हैं मुसलमान, लेकिन जितनी जोर से यहां जय माता की बोलते हैं वहां भी तो बोले, वहां भी तो बोले। अगर कोई तकलीफ नहीं थी तो क्या देते बना लो अयोध्या का राम मंदिर, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्यों इतना झगड़ा बोल दिया साहब? अगर राम इतना अच्छा लगता है, जेड़े शंकर महाराज दे भगत ने, मैं छोटा जा भगत हां, वड्डा नहीं। एक बंदा श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार, आहा हा हा, किथे बैठे ने सारे, आए हाय हाय हाय, जय श्याम जी दी महाराज। एक बंदा कहिंदा कि सलीम होणा नूं तुसीं क्यों बुलाउंदे हो, उह किहड़ा हिंदू ने। मैं क्या भाई हिंदू नहीं आ, मुसलमान भी नहीं आ, ईसाई भी नहीं आ, सिख भी नहीं आ, पर इंसान तो है ना, है ना। ते साड़ी पहचान इंसान पहला है, बाकी धर्म जातां बाद च आउंदियां ने, है ना। वैसे सब तो वड्डी जात यह है कि असी हिंदुस्तानी हैं, असी पंजाबी हाँ, पंजाब दे वासी हाँ, सब तो वड्डी साड़ी पहचान है। बाकी जे गल ये करदे हो कि उन्होंने क्यों बुलाउंदे हो, तो मुस्लिम भाई आ भोले शंकर इत्थे पवा के बैठा होया, ठीक है जी। दूजा मन दूजा गल ये है कि वह कहिंदा जुबान ते है दिल चे है नहीं, जुबान तो राम राम बोलते ने, जुबान तो जय माता दी बोलते ने, दिल चे नहीं। जे दिल चे ना हुंदा ते इन्नी शोहरत इन्ना प्यार तुहाडा ना मिलदा, क्योंकि वह महामाई असैप्ट ही नहीं करती, वह भोले शंकर असैप्ट ही नहीं करता जिन्ना चिर तुसी उन्नू दिलों ना मनो। जे दिल च है तो ताइयों गा रहे हैं ना। जेडे माता दे ध्यानो भगत ने नरेंद्र चंचल साहब, उन्होंने अज तक कदी यह गल नहीं आखी, लखा साहब ने नहीं आखी, या होर बहुत साढ़े वड्डे वड्डे विद्वान, उन्होंने नहीं कदी यह गल आखी ते दो चार भजन चलण दे नाल तेरी मत मारी गई है, थोड़ा जा ठीक हो। क्यों जी, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है यार, सबका है। दिमाशु की हाल है तेरा, सैंपलर
ਇੱਥੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।